हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ट्रेंड और देखेंगे मार्केट क्या होने वाला है उसका ऊपर भी हम बात करेंगे आज। तो ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी आज पिवट पॉइंट 260991 और फर्स्ट रेजिस्टेंट 26475 एंड द सेकंड रेजिस्टेंट 266277 एंड द थर्ड रेजिस्टेंट 270 61 और फर्स्ट सपोर्ट 25889 एंड द सेकंड सपोर्ट 25505 एंड थर्ड सपोर्ट 25302। तो ये है बैंक निफ्टी। तो इसमें हम बात करेंगे आज क्या होने वाला है वो भी देखेंगे। तो पहले वन डेली चार्ट में हम देख लेता है। तो डेली चार्ट जैसे मैंने कल बताया था आपको क्या मार्केट का एक नीचे में एक हमें एक सपोर्टिंग लेवल मिला जिसे कंटिन्यूअस गैप डाउन था। तो एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे मार्केट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जस्ट अ मिनट। तो एग्जैक्टली मत यहाँ पे मैंने एक फिबोनाची यूज करके एक रिट्रेसमेंट लेवल निकाला था जिसे एक मिनट में यूज करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, हमें निकालना है सी पॉइंट कहाँ था, राइट? सी पॉइंट कहाँ पे है। तो इसलिए मैंने एक फिबोनाची यूज किया था कल, आपको याद हुआ होगा शायद। तो ए और बी को कनेक्ट करके, ठीक है? तो अगर कल वीडियो आप देखा तो शायद पता होगा। तो यहाँ पे मुझे एक 50 लेवल में मुझे एक जो ये 50 लेवल है यहाँ पे एक मुझे एक सपोर्टिंग जोन मिला, राइट? 50% ऑफ रिट्रेसमेंट ऑफ फिबोनाची। तो साथ साथ में ये क्या है, 100 मूविंग एवरेज ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रेंज बनाया। तो इसलिए मुझे लगा कल यहाँ से मार्केट रिटर्न होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया कल से। तो ये हो गया डेली और इसका टारगेट डेली में हमारा फर्स्ट टारगेट है 27,000 के आसपास और थर्ड सपोर्ट होगा हमारा 27,700 का आसपास रहेगा। यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा, ओके? तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे 4 आवर में। तो मैं फिबोनाची को हटा देता हूँ। तो 4 आवर में आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ा नीचे आया। तो एग्जैक्टली जो जहाँ पे डाला था, लेकिन यहाँ पे आके ये मूविंग एवरेज जो है 100 मूविंग एवरेज ने भी सपोर्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है? तो उसके बाद आज देख सकते हैं एक टारगेट हमें मिला हुआ है 26,545 में, जहाँ पे 200 मूविंग एवरेज ने एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है। तो यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दे सकता है, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं है क्योंकि यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि यहाँ आके रिट्रेसमेंट का आसपास क्या आएगा, एक मूविंग एवरेज 150 मूविंग एवरेज जो रेड कलर का है वो 150 मूविंग एवरेज का आसपास वापस आ सकता है, उसके बाद फिर से ऊपर जाने का चांसेस है। तो अभी पहले हमको कंफर्म करना पड़ेगा ये जो 150 मूविंग एवरेज है उसका आसपास आएगा या ये ट्रेंड कंटिन्यूअस होगा। तो ये दोनों दो ऑप्शन मिला हुआ है हमें, एक कन्फर्म एक ऑप्शन मिला हुआ है कंटिन्यूअस करेंगे ये रेजिस्टेंस लाइन से या तोड़ के, या यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेंगे फिर से कहाँ पे 150 मूविंग एवरेज से, तो बाद में इसको तोड़ेगा। तो वो दोनों हम देखेंगे, अभी कंफर्म कर करना पड़ेगा यहाँ कंटिन्यूअस करेगा, ठीक है? तो अगर हम 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट में आप देख सकता है जो मूविंग एवरेज था 200 टू यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है ये रीजन में थोड़ा देर के लिए बाहर निकल जाना ही चाहिए रहेगा। तो उसका बाद इसको क्रॉस ओवर होने के बाद फिर से बाय कर सकता है, ठीक है? तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।